आज कहाँ गया वो आपस का प्रेम, पुनः लेकर आओ जो परंपरा पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिखाती थी। पूरा संसार हमारा परिवार, आज वो अपने परिवार को ही संभाल नहीं पाते। पूरा संसार हमारा परिवार है, पूरी दुनिया हमारा परिवार है, ऐसी भावना रखने वाली संस्कृति अपने ही परिवार को संगठित नहीं कर पाती। परिवार बिखरे हैं, किसी और के कारण नहीं, हमारे अपने कारण। अरे थोड़ा स्वार्थ का चोला जो ओढ़ रखा है ना, इससे थोड़ा बाहर आओ, थोड़ा परमार्थी बनो, थोड़ा प्रेमी बनो, थोड़ा संगठित करने वाले, परिवार को चलाने वाले बनो, व्यक्तित्व के धनी बनो। क्या छोटी छोटी बातों पर परिवारों में उलझ जाते हो, झगड़ लेते हो, हमेशा के लिए बोलचाल बंद कर लेते हो? अरे बचपन में भी तो आपस में भाई भाई झगड़ते थे कि नहीं झगड़ते? भाई बहनों में खूब झगड़ा होता था, लेकिन कोई बोलचाल बंद नहीं करता था। बड़े होते होते कैसे बड़े हुए कि हृदय का प्रेम चला गया और हृदय एकदम सूखा हो गया, नीरस जीवन बन गया और अक्कड़ आ गई, अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, अब नहीं झुकूंगा, अब बड़ा जो हो गया, बड़ी पदवी मिल गई है, बहुत बड़ा धन आ गया है, अब क्यों झुक जाऊंगा, अब नहीं झुकना चाहता है। न छोटे के सामने बड़ा झुकना चाहता है और ना बड़े छोटे के सामने अपनी बात रखना या समझना चाहते हैं। कोई नहीं समझना, बड़े इस कारण से बड़प्पन में खड़े हैं कि हम थोड़ी झुक जाएंगे, हम तो बड़े हैं, और छोटे इस कारण अकड़े हैं कि हम छोटे हैं तो क्या सदैव झुकते रहेंगे, और इस अकड़ में अपना परिवार बिखर गया, इस अकड़ में हम सब दूर होते चले गए, इस अकड़ में हम अकेले हो गए, इस अकड़ में हम सब सुने सुने से हो गए। अब कहाँ उन त्योहारों में जो पहले रौनक होती थी, वो आज होती है क्या? आज हमारे त्योहार आते और चले जाते, पता ही नहीं चलता कौन सा त्योहार कब आया कब चला गया। क्यों? क्योंकि कुछ बदला तो था ही नहीं। जैसे कल का दिन था वो आज का भी दिन वैसे ही है, अकेले कल भी थे और अकेले आज भी हैं। पहले 15-15 दिन पहले बहन बेटियां आना शुरू कर देती थी, आज 2 दिन भी बेटी ना तो उनके पास समय है और ना भाई के पास रखने को उतना, ना हृदय में प्रेम है। सब कुछ सुना सा हो गया,